समस्या की आवाज़ में आज मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूदा सांसद श्री निहालचंद जी मेघवाल, और इनसे जानते हैं चुनाव में इनके क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं, क्या मंशा है और आगे की क्या प्राथमिकताएं हैं। एक ही सवाल बस। मेरी मंशा पॉजिटिव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। मैं खुद प्रत्याशी होने के नाते गाँव जा रहा हूँ, इस देश के नव निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। हमारी मातृत्व शक्ति और हमारी माँ भारती की जिद के साथ में कोई खिलवाड़ को बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी बचा सकता है। पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का अगर कोई काम कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। इसलिए मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री। आप पुनः चुन के आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी क्षेत्र के लिए? बस एक सवाल। मेरे पुनः चुन के आता हूँ नहीं, मैं पुनः चुन के आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पहली प्राथमिकता हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनाना है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में हमें एक मेडिकल कॉलेज बनाने का है और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीन का बनाने का मैंने संकल्प लिया है और मैं उसको पूरा करूँगा। ये थे केंद्रीय मंत्री और सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद निहालचंद जी, और ये ऋषि आश्रम चौक संगरिया में आज की ये सभा थी और संगरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में और संगरिया शहर के विभिन्न वार्डों में आज विभिन्न जनसभाओं का संबोधित किया।